वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज जाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया जगह पे। तो गाइज हम जाएंगे आज वृंदावन। वृंदावन का कुछ ऐसा रहस्य दिखाएंगे जो निधिवन जो सदियों से चला आ रहा है, वहाँ आज भी कृष्ण भगवान राधा जी रास करते हैं। और काफ़ी सालों से आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे। तो गाइज बहुत ही अच्छी शांति वातावरण, तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत मस्त है एकदम। और गाइज वहाँ का रहस्य आज भी वहाँ जो नृत्य करते हैं ठाकुर जी वो सुनाई देती हैं, और हमने सुना है केवल बचपन से सुनते आ रहे हैं। और गाइज फिलहाल रेडी होके चलते हैं वृंदावन। तो गाइज मिलते हैं आपसे वृंदावन निधिवन। आज कवर करने वाले हैं निधिवन। तो निधिवन में जाएंगे, बाइक हमने पार्किंग पे लगा दी है। हम जब भी आते हैं हमारे घर कुछ ना कुछ पॉकेट हो ही जाता है। आज आए थे, आज रास्ता भूल गए, आधे घंटा में काफ़ी टाइम लग गया। तो हम गेट पे पहुंचने वाले हैं निधिवन के पे, और थोड़ी चेंजिंग आ गई उसमें। और काफ़ी साल पहले आए थे यहाँ पे, 3-4 साल पहले आया था मैं। उसके बाद वृंदावन तो कई बार आया हूँ लेकिन निधिवन नहीं आया। तो गाइज पहुँच के निधिवन के गेट पे, तो चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ बंदर बहुत है, बंदर से डर लग रहा है कि फ़ोन वोन लूट के ना भग जाए, फ़ोन टोपी। गाइज ये है निधिवन का गेट, गेट पर पहुँच चुके हैं हम, चप्पल यहाँ। चलते हैं अंदर, और इसके दो गेट बना दिए हैं, पहले यहाँ इस वाले गेट से एंट्री करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और है, सबसे पहले हम निधिवन के अंदर आए थे, उनकी यहाँ भी बनी हुई है आगे। और गाइज बंदरों के ज़बरदस्त बना दिया हुआ है, बंदर इसमें से खाली फ़ोन ले जा सकते हैं। और ये पीछे चारों बल के ऐसे बोलते हैं निधिवन, यहाँ कृष्ण भगवान रास करते हैं यहाँ पे रात के आके। और कई बार यूट्यूबरों ने बहुत गलती की यहाँ आके, कई बार रात को कैमरा लगा दिया था उसमें अलग चीज़, तो ऐसा गाइज नहीं करना चाहिए। और अंदर पानी वानी देने के लिए बहुत ज़्यादा रखा ही। और गाइज जितनी भी यहाँ अंदर लताएं एक दूसरे में आपस में लिपटी मिलेंगी, या पीछे जो दिखे तो गाइज मैं यहाँ से दिखाता हूँ। मोबाइल संभालो, पीछे लिपटी। और बंदरों से काफ़ी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, हाथ दसा के फोन लेके भाग जाए पता नहीं चलेगा। और गाइज ये दिखाता हूँ, मेरे जितनी भी ये पहले कवर नहीं था, ये पूरा बांस की फंटों से कवर किया हुआ है। ये देखो पीछे भी, पीछे सारा पहले खुला हुआ था, यहीं से जाते थे। और ये यहाँ श्रद्धा है जिसके हाथ जोड़ते हैं। तो गाइड यहाँ आके चलते हैं, यहाँ कुछ ये गाइड्स यहाँ समझा रहे हैं। देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, यहीं पे रास करते हैं। और जो श्रृंगार यहाँ पे रात को श्रृंगार वगैरह का सामान जो भी रखा जाता है वो फैला हुआ आता है, जिस कई बार आपने वीडियो में जैसा कि देखा, तो ये वही जगह है यहाँ पे। और यहाँ चलते हैं, यहाँ जी यहाँ पे कुंड है यहाँ इधर, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं लेकिन लता हरी भरी है बिल्कुल मस्त है एकदम। गाइज चलते हैं आगे, राधा रानी की कृपा मस्त है। और काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत साल बाद। और यहाँ पे राधा रानी का मंदिर है दूसरा, ये भी बना हुआ है। आने लग रही है
और भाई बाहर आ चुके हैं ग्राउंड में, बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बंदरों से डर है। और ये यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पे देखो दान पात्र, यहाँ वो सिंहासन है। चौक है ना कृष्ण भगवान रास करते हैं, ये भी वही चौक बना हुआ है पीछे, ये देखेंगे और पीछे जो सिंहासन है जो रात में नृत्य करते हैं वो यही जगह है। फिर पास के फ्रंट फ्रंटों से सबरा कवर किया हुआ है ताकि बंदर बंदर आप न होते, इस वजह से गए। चलते हैं आगे, लास्ट में आ चुके हैं बिल्कुल ही, और यहाँ राधा रानी का मंदिर, पीछे राधा रानी का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करके फिर आगे निकलते हैं। यहाँ भी मंदिर पर चलते हैं बाहर, बाहर गेट पे पहुँच चुके हैं बिल्कुल, इस मंदिर में भी हम दर्शन करके आ चुके हैं। अच्छे हाथ जोड़ते हैं राधा रानी के, कीड़े अपनी मान्यता है गांठ लगा कर अपनी मान्यता पूरी करते हैं, जब पूरी हो जाती है तब खोलने आते हैं। और गाइस ये बाहर बिल्कुल गेट पर आ चुके हैं, चलते हैं बाहर। दोस्त हमारा खो गया था, वो पा गया है, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था कहाँ, हमने अंदर दर्शन कर लिया, अब यहाँ के बाद चलते हैं। और गाइस फिलहाल पहन लेते हैं अपनी चप्पल, और भीड़ बढ़ने लगी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका टाइम रहता है 6 बजे बंद करने का, तो पहले अपनी चप्पल देखते हैं या नहीं है। और गाइस